नमस्कार ई विद्या चैनल नंबर नाइन पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ देवेंद्र त्रिपाठी और ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं ई विद्या के साथ साथ एन ऑफिशियल और एन सी ई ई विद्या क्लास नाइन पर भी और जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में आप सभी इंटरेक्टिव क्योंकि इंटरेक्टिव सेशन है इसमें आप भी हिस्सा बन सकते हैं इसके लिए आपको मीडियम भी बता दें तो मीडियम है फोन नंबर और ईमेल एड्रेस फोन नंबर नोट कर सकते हैं डबल एट डबल ज़ीरो डबल फोर जीरो डबल फाइव नाइन और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आज के सत्र में किस क्लास के किस सब्जेक्ट की बात होने जा रही है तो क्लास है नाइन और सब्जेक्ट उर्दू भाषा है और इसमें टॉपिक रहेगा जीने का सलीका और ये एक मजबून है मज़बून क्या होता है और जीने का सलीका चैप्टर के माध्यम से क्या समझाने का प्रयास लेखक ने किया है ये भी जानेंगे और ये सब कुछ पढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर मोहम्मद फारूक अंसारी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन लैंग्वेजेस एन दिल्ली में प्रोफेसर हैं सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्वागत धन्यवाद और स्वागत अपने सभी दर्शकों का सभी विद्यार्थियों का मैं करता हूं जो हमारे साथ जुड़ते हैं ये विद्या पर इन तमाम जानकारियों के लिए और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि ये इंटरेक्टिव लाइव सेशन है तो सत्र के दौरान लाइव सेशन जब चल रहा है उस दौरान डीटीएच पर अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो आप हमें फ़ोन नंबर के ज़रिए या ईमेल के जरिए लिख सकते हैं और अगर आप हमें यूट्यूब पर एन सी ऑफिशियल या एन सी ई विद्या क्लास नाइन पर देख रहे हैं तो लाइव सेशन के दौरान चैट बॉक्स में लिख सकते हैं तो सबसे पहला सवाल मैं सर से करना चाहूँगा मज़मून क्या होता है और इसकी क्या खूबियाँ हैं सर मजमून जो है वो जिस तरह से नसर में बहुत सारी असनाफ होती हैं उसी तरह से एक सिंफ है जैसे कहानी है सवाने है नावल वगैरह ये तमाम अस्नाफ है मजमून भी एक न उसी तरह की एक, एक सिंफ है विधा है, जी, है।, जी, है। जी, और गैर अफ़सानवी नसर से ताल्लुक़ रखती है और मजमून का मामला ये है कि हम किसी भी मौजू पर चाहे वो कोई मसला हो या कोई मौजू हो या कोई ख़्याल हो उसके ऊपर मालूमती या तज़ियाती तौर पर जो कुछ तहरीर करते हैं वो मजमून कहलाता है यानी हम कह सकते हैं किसी भी मौजू या मसले पर मालूमती या तज़ियाती तहरीर जो है वो मजमून होती है और मजमून में एक तरह की आ, संजीदगी होती है उसमें मालूम फराम की जाती है तो इलमियत का मादा होता है यानी उनसर ज़्यादा होता है मालूम फराहम करना यानी किसी भी मौजूद से मुतल जो है वो तमाम तर मालूम एक तरतीबारंदाज़ में पेश कर देना वो मजमून कहलाता है तो मालूमती जब मजामी की बात हम करते हैं तो मालूमती मजामी का जो अंदाज होता है वह गैर शख्सी होता है यानी किसी एक शख्स से मुतल नहीं होता है न किसी तरह से कोई जानबदारी होती है कि ये एक पहलू एक तरफा पहलू नहीं बल्कि वो तमाम पहलू जो हैं वो उसमें शामिल होते हैं तो इस तरह से ये मजमून की खूबी होती है इसमें तरजीहात जो हैं लिखने वाले की या पसंद और नापसंद जो है वो भी इसमें शामिल होती है तो इस तरह से मजमून होता है और मजमून में एक और चीज़ होती है मुख्तसर मजमून की भी एक सूरत होती है यानी मजमून तवील मजमून भी होते हैं जिसमें बहुत सारे कई सफ़ात पर मुशतमल होते हैं और कुछ मजमून ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ही मुख्तर अंदाज में तमाम बातों का अत्याा कर लिया जाता है तो ये वो मजामी होते हैं और अलग अलग इनकी नवयत होती है अगर तनकीदी कोई बात कहनी है तो वह तनकीदी नवयत का मजमून होगा तहकीक से मुतल है तो तहकीकी होगा लेसानियाती मज़हब फ़लसफ़ा समाजियात सियासत अकतदी मतलब जितने भी पहलू हो सकते हैं उनसे मुतल जो मालूम हैं वो मज़ामीन में शामिल होती है हमारे मतलब कि हर तरह के बिल्कुल है बिल्कुल लेकिन किसी एक सब्जेक्ट कोई किस? भी मौजूद होगा उससे जी, मुतालिक तमाम तर को, जी, अंदाज में और संजीदगी से साथ उसको तहरीर किया जाता है तो ये मजमून की सबसे बड़ी खूबी होती है और अगर हिस्सों की बात करें तो सबसे पहले तमीदी हिस्सा होता है यानी हम तमहीद और तमीद ऐसी होती है जिसमें जो कुछ भी आगे हम कहना चाहते हैं वो पूरी तरह से वाज हो जाती यानी एक या दो सतर की ही वो तह, तमहीद होती है लेकिन वो हिस्सा इतना पुरजोर होता है कि उसको पढ़ने के बाद अंदाज़ा हो जाता है कि हम किस मौजू पर बात करने वाले हैं उसके बाद फिर जो है तमहीद के बाद जो है बाकी जो तमाम पहलू या जिसको कहते हैं असल जुज या हसब मंशा जितनी चीज़ें हमें तहरीर करनी है वो मनतकी तरतीब के साथ और दलाइल के साथ जो है हम उनको पेश करते हैं और आखिर में जो है वो कोई ना कोई एक नतीजा हासिल करने की कोशिश करते हैं और उस नतीजे पर पहुँच कर वो मजमून ख़त्म कर दिया जाता है तो ये जो है मजमून की सबसे बड़ी ए, कह लीजिए कि ख़ास बातें हैं जो इस मजमून से ताल्लुक़ रखती है दूसरी चीज़ ये कि ज़बान ख़ास अहमियत रखती है और अंदाज बयान जी जिसको हम तर्ज़ बयान करते ये दोनों बड़ी क्योंकि अल्फाज में जिस क़दर वजाहत होगी तयत होगी शफाफियत होगी वो उसी क़दर जो है वो मकसद को वाजह कर सकेगा यानी जो भी हम कुछ बात कहना चाहते हैं वो उससे वाजह होगी ये दो तीन चीज़ें हैं जो खास अहमियत रखती है अल्फाज का इस्तेमाल ज़बान किस तरह की इस्तेमाल कर रहे हैं जुमले किस तरह से हैं तर्ज बयान क्या है ये सब चीज़ें बड़ी अहमियत रखती है और ये मजमून का खासा होती है जी तो मज़मून क्या होता है ये आपने समझ लिया और अब सर से मैं पूछना चाहूँगा कि आज का जो मजमून है उसमें क्या कहा गया है और किस सब्जेक्ट uh, के इर्द-गिर्द घूमता हुआ ये जो मजमून है जीने का सलीका जी uh, ये असल में ज़िंदगी क्योंकि हम जिस uh, समाज में रहते हैं तो समाज में हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं और बहुत सारे पहलू हैं जिनको हम uh, जिनकी हम पाबंदी करते हैं कुछ असूल होते हैं जिनकी पाबंदी की जाती है कुछ कायदे होते हैं तो उनकी पाबंदियों के साथ साथ ज़रूरत भी हमें जब पड़ती है तो हम uh, बहुत सारे ऐसे uh, मामलात हैं जो ज़िंदगी को जीने के लिए ज़रूरत हो उन सब को मिलाकर एक नई जिस तरह से हम समाज में रहते हैं जिस तरह से हम तालीम हासिल करते हैं जिस तरह से अपनी जो विरासत में मिली हुई चीज़ें होती हैं उन सब से मिलकर जो है वो शख्सियत का आ, शख्सियत की तश्कील करते हैं और वही शख्सियत की तश्कील जो होती है वो जिंदगी के सलीके से ताल्लुक यानी जिंदगी का जो सलीका है ज़िंदगी को जीने का सलीका ज़िंदगी तो हमें मिली है जी जी। और लेकिन उसके सलीके क्या हैं हमें आसपास के लोगों का ख्याल रखना है दूसरों की ए, बातों का भी लिहाज रखना है उनके आराम का उनकी ज़रूरतों का उसका भी हमें लिहाज रखना है ज़रूरत पड़ने पर हमें उनके काम आना है तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमें ज़िंदगी को जीने का एक सलीका सिखाती हैं और यही तमाम चीज़ें जिसमें गुफ्तु भी शामिल है हम बातचीत करते हैं तो बातचीत के ज़रिए हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आ, असर करती हैं जाहिर है कोई चीज़ अगर नागावार भी वही बात अगर हम किसी और अंदाज़ से कहते हैं नागावार गुजरती है कुछ इस अंदाज से कहते हैं तो वो नागावार नहीं गुज़रती है बल्कि वो दिल को कबूल कर लेती है यानी ये कशिश ज़बान के हवाले से है अपने जो हमारे आमाल हैं या जो हमारे काम करने के तरीके हैं उनके हवाले से ये तमाम चीज़ें मिलकर जो है वो हमें एक ज़िंदगी का सलीका सिखाती है और वही चीज़ जो है वो इस मज़मून का ख़ास हिस्सा है और उन्हीं को बयान किया गुलाम जो है ग़ुलाम सदन जो हैं वो उनकी तहरीर है जी, ये जी। और उन्होंने बहुत सारे मजामी लिखे हैं माहिर तालीम थे वो और माहिर तलीम उन्होंने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद दोनों जो ज़माना है उस जमाने में उन्होंने तहरीर की आज़ादी के बाद भी जो है वो एक तली अमूर के सिलसिले में एक बड़ा नाम है उन्होंने काफ़ी कुछ हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद की जो तलीरत हाल है उस पर काम किया है और बहुत सारे मख्तलफ मकाम पर मुख्तलिफ हैसियतों से उन्होंने अपनी खिदमात भी अंजाम दी हैं आज़ादी से पहले की अगर बात करें तो जो डॉक्टर जकिर हुसैन के साथ मिलकर उन्होंने जो तलीमी खाका मरतब किया गया था तो उसमें भी उनका ख़ास जो है योगदान रहा है ख़ास उन्होंने अपना किरदार अदा किया है उसमें तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें और फिर उन्होंने बहुत सारी किताबें जो हैं वो तालीम के हवाले से अदब के हवाले से तहरीर की हैंकूमत हिंद ने जब उनकी तली ख़मत के तराफ़ करते हुए पद्म भूषण से उनको नवाजा था और इसी तरह से जो है बहुत सारी उनकी नस्ल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उनकी नस्ल बहुत सादा होती थी बहुत आसान थी। जब आप इस मजमून को पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद एक अलग लुत्फ आएगा कोई भी तहरीर होती है उसी वक्त हमें ज़्यादा कबूल होती है जब हम उसमें एक अपने से जुड़ाव महसूस करते या उसमें लुत्फ हमें हासिल होता है तो वो एक सबसे बड़ी तो ये मजमून उसी तरह से बहुत ही बेहतरीन मजमून है जो ज़िंदगी के सलीके के हवाले से जिसमें बात की गई है क्योंकि एक ये ऐसा मौजू है जिस पर जो है ए, कह सकते हैं कि हिदायत ज़्यादा होती हैं मतलब एक तरह से इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ज़्यादा दिए जाते हैं कि हमें ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए इस तरह से लेकिन उन्हीं तमाम बातों को किस खूबसूरत से और किस मिसालों के साथ दलाइल के साथ इस मजमून में पेश किया है वो इसी वजह से जो है बहुत कबूल किया जाता है बहुत अच्छा मजमून जी जी बिल्कुल सही बात कही सर ने कि कोई भी तरीका है कोई भी इंस्ट्रक्शन है लेकिन जब उपदेश की तरह से वो चीज़ें बताई जाती हैं तो लोगों को वो बोझिल लगने लगती हैं और उसको एक रोचक अंदाज़ में या ऐसे दिलचस्प अंदाज़ में कहा जाता है तो निश्चित तौर पर उसे कबूल करते हैं लोग तो मुख्य बातें सर इस मजमून का हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएँ ताकि वो भी कनेक्ट कर पाएँ इस खूबसूरत जो अंदाजा अंदाज़े बयाँ है इस पुस्तक में इस चैप्टर में क्योंकि मजमून कई सफ़ात पर मुश्तमल है जी तो इतने कम वक्त में पूरे मज़मून पर तो बात नहीं की जा सकती लेकिन कुछ हिस्से ज़रूर इसको सामने रख कर बात कर सकते हैं जैसे मजमून जहाँ शुरू होता है शुरू इस तरह से होता है मैं ऐसे मुशाहर की सोहबत में बैठा हूँ जिनकी गुफ्तु में वो लोच दिल आवेज़ी और सलीका होता था कि वहाँ से उठने को दिल ना चाहे मसलन तेज बहादुर सपरू सरजनी नायडू मौलाना आजाद रास मसूद डॉक्टर इकबाल डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन यानी ये कैफियत के वो कहें और सुना करे कोई ये इब्तदाई है मज़मून शुरू हो रहा है इस तरह से यानी वो कहने ये चाह रहे हैं कि ये जो लोग थे जिनसे मैंने ए, न, 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 कुछ सीखा है या जिनके साथ मैंने वक्त गुजारा है ऐसे मुशाहिर थे इनकी सोबत में बैठा हूँ और इनकी गुफ्तु ऐसी होती थी उनकी गुफ्तु में वो लोच होती थी वो दिल आवेजी यानी दिल को लुभा लेने वाला और सलीका होता था सलीका इस तरह से कि बात को इस अंदाज से इस तरतीब के साथ वो बयान करते थे कि वहाँ से ए, उठने को दिल नहीं चाहता था यानी उनकी बात सुने बगैर रहा ही नहीं जाता था कुछ एक शख्सियतों के नाम उन्होंने मसलन तेज बहादुर सपरू या सरोजनी नायडू मौलाना आज़ाद वगैरह के इन्होंने जो नाम लिए हैं और झकिर हुसैन वगैरह यानी ये वो लोग थे जिनकी गुफ्तू को जब हम सुनते थे तो हमारी कैफियत ये होती थी कि हम इनसे सुनते ही रहें और ये मिसरा वो कहें और सुना करे कोई यानी वो कहते रहें और दूसरा जो है वो सुनता, सुनता है। रहे यानी उसमें कहीं बहस की कहीं बीच में दखल अंदाजी की या बात को काटने की ऐसी जरूरत ही नहीं कहीं महसूस होती बल्कि यही कि एक सैलाब सा होता है खयालात का तजुर्बा का क्योंकि ये इन लोगों की जो गुफ्तु होती थी वो पूरे तजुबात पर ज़िंदगी का जो उनका मताल है जो उन्होंने तजुर्बात हासिल किए हैं उनको पेश करते थे और उसके रोशनी में अपनी बातों को रखा करते थे तो ये इनका पहला जो है वो पैराग्राफ है आगे अगले पैराग्राफ में इसी बात को फिर कहते हैं क्योंकि सुनने के मामले से हो गफ्तु का अंदाज़ क्या होता सबसे पहली चीज़ गुफ्तु ही है जिस पर बात की गई है इस कशिश की वजह महज ये न थी कि वो जबान पर कुदरत रखते थे या रखते हैं बल्कि उनका दिमाग रोशन और मुरतब था उन्हें दरअसल कुछ कहना होता था उनकी सीरत उनके तजर्बों से मालामाल थी यानी जो उनकी बात सुनने या जो उनकी गुफ्तु को सुनने में जो कशिश थी जो मतलब मैग्नेट या कह सकते हैं अट्रैक्शन था, था, था उसकी वजह यह नहीं थी कि वो बहुत अच्छा बोलते थे या जबान पर उनको कुदरत थी अल्फाज का इस्तेमाल या वगैरह वो जबान तो थी ही रखते हैं लेकिन उनका दिमाग भी रोशन और मनत मुरतब था यानी रोशन ख्याल बहुत उन्होंने जो है उस पर गौर वफ़िक किया हुआ और तरतीब के साथ मतलब एक तरतीब होती है ख़्याल कहीं उलझे हुए नहीं हैं या बिखरे हुए ख्यालात नहीं हुआ करते बल्कि तरतीब के साथ उन्हें दरअसल कुछ कहना होता था यानी वो बात को कुछ कहना चाहते थे उनकी जितनी भी गुफ्तु होती थी उसका मकसद होता था कि वो कुछ बात कहना चाहते या समझाना चाहते और उनकी सीरत जो होती थी यानी जो उनका ओवरऑल जो उनकी ख़ूबी थी उनकी शख्सियत जो उनकी सीरत होती थी वो तजुर्बों से मालामाल थी यानी उसमें तजुर्बात हुआ करते थे शामिल अपने तजुबा की रोशनी में वो बात को कहते थे वो अपने सुनने वालों में दिलचस्पी रखते थे उन्हें अपनी ज़िंदगी और तजुर्बों में शरीक करना चाहते थे और जमहूरीत के इस ज़माने में जब ज़ुबान से तरगीब और तबादला ख़याल का ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जाता है अच्छी गुफ्तु न सिर्फ़ एक समाजी हुनर है बल्कि एक सियासी हथियार भी है जिसका सही इस्तेमाल सीखना ज़रूरी है यानी सुनने वालों में दिलचस्पी रखते थे कहने का मुराद ये कि जो भी जिसके जिससे वो मुखातिब हैं या जो सामने उनकी बात को सुन रहा है वो उसका ख्याल रखते थे कि उसको किस तरह से बातों को उससे गुफ्तू करनी या उससे बात कहनी उन्हें अपनी ज़िंदगी और तजुर्बों में शरीक करना चाहते थे और वो चाहते ये थे कि जो हमारे पास या जो उनके पास जो तजुर्बा थे उसमें उनको शामिल करके रखें और जमहूरीत के इस ज़माने में यानी आज़ादी के बाद की जो सूरत जमहूरीत का ज़माना हर एक को आज़ादी है अपनी बात कहने की अपनी बात रखने की किसी पर बहस करने की तो जमहूरीत के इस जबान, जमाने में जब ज़ुबान से तरगीब या तबादला ख़्याल का ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जाता है ऐसी सूरत में यानी ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बातें की जाती हैं तो अच्छी गुफ्तु जो थी वो न सिर्फ एक समाजी हन, हुनर है बल्कि एक सियासी हथियार भी है यानी गुफ्तगु की जो ख़ूबियाँ हैं वो बयान की गई हैं कि एक हुनर तो है ही है बल्कि इससे बहुत सारे काम भी लिए जा सकते हैं वो सियासत का एक हथियार के तौर पर भी एक आले के तौर पर भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है और जिसका सही इस्तेमाल सीखना ज़रूरी है यानी अच्छी ज़िंदगी अच्छी शख्सियत के नशो के लिए अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि हमें ये महारत या ये हुनर हासिल होना चाहिए अपनी बात को कहने का सलीका आना चाहिए जिसको हम कहते हैं गुफ्तु का सलीका हमें आना चाहिए इसी तरह से और आगे भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं उसमें गुफ्तगू के बाद वो बात करते हैं काम जो है न सिर्फ़ बात करना बल्कि एक काम जो है वो तो कितना हमारे लिए ज़रूरी है काम करना कितना ज़रूरी है काम को तो किस तरह से करना ज़रूरी है उस पर भी वो बात करते हैं वो कहते हैं अच्छे लोगों और अच्छी किताबों की सोहबत के अलावा यानी अच्छे लोग उनके साथ रहना उनके साथ गुफ्तगु करना उनके साथ उठना बैठना ज़िंदगी गुजारना और अच्छी किताबों का मताल करना तो सोहबत यानी उनके साथ रहना उनके साथ वक्त गुजारना तो अच्छे लोगों और अच्छी किताबों की सोहबत के अलावा जो तीसरी चीज़ जो अच्छी ज़िंदगी की बुनियाद है वो काम है यानी कर्म जिसको आप कहते हैं वो जो ज़िंदगी की तीसरी चीज़ यानी लोग किताबें लोगों से मुराद की कि आपका सराउंडिंग्स कैसा है आपके ये इर्द गिर्द का माहौल कैसा है किन लोगों के साथ आपके ताल्लुकात हैं और किताबों से मुराद आपने किताबों का मताला कैसे किया है कितना मुताल किया है वो जो ख़ास चीज़ें दो अहम पहलू हैं उसके अलावा जो है वो ज़िंदगी की बुनियाद के लिए ज़रूरी है काम इससे मुतल हमारे सदर महतरम डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने एक खुतबे में लिखा है कि काम बेमकसद नहीं होता काम कुछ करके वक्त काट देने का नाम नहीं है काम खाली दिल लगी नहीं काम खेल नहीं काम काम है मकसद मेहनत है काम दुश्मन की तरह आप अपना मुहासबा करता है और उसमें जो पूरा उतरता है तो वो खुशी देता है जो और कहीं नहीं मिलती काम रियाजत है काम इबादत है जी ये ये कॉल है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो अपने वो एक ख़ुतबे में अपने एक लेक्चर में उन्होंने कहे थे उसका हवाला उन्होंने इसमें शामिल किया है कि काम की अहमियत क्या है और बहुत ही खूबसूरत अलफा का जो इंतबा उन्होंने किया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के खुतबे से जो उस वक्त सदर मोहतरम थे सदर जमहूर हिंद उनका एक खुतबा था और उनके खुतबों में से वो अलफ़ाज उन्होंने लिए हैं कि देखिए काम कोई भी हो वो बेमक़सद नहीं होता कुछ तो करने की वजह होती है कुछ सबब होता है जिसको लेकर के काम किया जाता है और काम कर जो होता है वो वक्त को काट देने या वक्त को टाल देने का नाम नहीं होता यानी वक्त गुजारी के लिए नहीं होता है बल्कि वो काम जो है बामकसद मेहनत होती है और उसका जो अंजाम होता है वो ये होता है कि वो आपका मुहासबा करता है यानी आपका एक तरह से असिस करता रहता है आपको पीछा करता रहता है तो उसमें जो असेसमेंट जो होता है वो जिसमें जो पूरा उतरता है यानी वो काम अगर असेसमेंट के हिसाब से देखा जाए तो वो बेहतर होता है तो उसमें खुशी हासिल होती है और वो ऐसी खुशी हासिल होती है जो कहीं और नहीं हो सकती किसी और सबब से नहीं हो सकती है और ये महज जो है वह दिल लगी नहीं होती कोई खेल नहीं होता काम सिर्फ काम हुआ करता है तो काम की अहमियत जो है वो यहाँ पर बयान की गई काम रियाजत है रियाजत मतलब एक्सरसाइज जिसको आप कहते हैं बराबर मश करने की ये बात है वो है और एक तरह से इबादत है यानी कर्म पूजा है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं काम जो है वो इबादत की हैसियत रखता है इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें बयान की गई हैं काम को लेकर के फिर और उन तमाम बातों का जिक्र किया गया है जिसमें ये होता है कि छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ज़िंदगी से रोज़मर्रा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं आपस में मेल मोहब्बत आपस में एक दूसरे के काम आना दूसरे की परेशानियों का लिहाज करना दोस्ती मेल जोल इंसाफ सच्चाई ये जो सारे अवामिल हैं वो भी हमें जो है एक अच्छा इंसान बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं तो उसके लिए बड़े बड़े असूलों की ज़रूरत नहीं होती है इसीलिए एक जगह पर उन्होंने मज़ूर, इसी मजमून में कहा है कि हमारे मुल्क में न सिर्फ तलबा यानी न सिर्फ स्टूडेंट बल्कि सब लोगों को काम करने के सही आदाब सिखाने की ज़रूरत है तो ये ये इस तरह के जुमले बहुत से और उन्होंने फिर ये भी कहा कि काम को करने का तरीका मिसाल देकर वाजे की है वो मिसाल ये है कि दो मज़दूर हैं एक पहाड़ पर एक पत, पहाड़ पर पत्थर तोड़ रहे थे अब उन पत्थरों को तोड़ते वक्त जो है वहाँ से कोई एक शख्स गुजरता है और वो उससे पूछ लेता है राहगीर होता है वो एक आदमी से पूछता है तुम क्या कर रहे हो ये आम जिंदगी में हम देखते हैं हम पूछ लेते हैं क्या कर रहे हो तो वो चूँकि जला भुना हुआ है या नाराज है या आप आप खुश नहीं है उसका जवाब होता है देखते नहीं हो अपनी किस्मत के लिखे पत्थर फोड़ रहा हूं पत्थर फोड़ना एक मुहावरा है तो वो जिस तरह से उसका जहन काम करता है वो उसी तरह से वो जवाब दे देता है, है। जरा आगे बढ़कर जब वो वही सवाल दूसरे से करता है जो मजदूर था जो पत्थर फोड़ रहा तोड़ रहा है वो खुशी के साथ जवाब देता है मैं एक गिरजा की तामीर कर रहा हूँ गिरजा यानी इबादत गाह जी है ना तो गिरजा का एक हवाला दिया उसने उससे इबादत गाह यानी ऐसी कोई चीज़ बना रहे हैं जो इबादत के लायक होगी वो हमारा घर भी हो सकता है हमारी अकीदत के लिए का कोई जगह हो सकती है तो यह गिरजा का हवाला दिया है यानी और उसके ज़रिए यह बताने की कोशिश की गई है कि काम को हम किस नज़र से लेते हैं किस अंदाज़ से करते हैं वो ख़ास अहमियत रखती है। अगर हम उसी काम को खुश होकर करते हैं उसमें दिल लगा कर उसमें ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल होती हैं तो वही काम हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है लेकिन अगर हम उसी से नाराज होकर या सिर्फ मजबूरी में करते हैं तो हमारा जो जहन होता है वो दूसरी तरफ लेकर चला जाता है इसी तरह की और भी बहुत सारी बातें जो हैं वो इसमें ए, ए, बातें की गई हैं जिसमें ये भी कहा गया है लेकिन जीने का सलीका सिर्फ़ बड़े बड़े उसूलों की पाबंदी पर ही नहीं टिका होता है बल्कि छोटी छोटी चीज़ें भी शामिल होती हैं एक मामूली इंसान की ज़िंदगी का हर लम्हा ऐसी सतह पर बसर नहीं हो जाता जहाँ हर कदम पर मंसूर की तरह अनाउल कहने की जरूरत होती है अनल हक कहने का मतलब यह है कि वो वाकई से मुराद है मंसूर एक सूफी हुआ करते थे वो जब आल, जब सूफी का बहुत ज्यादा वो था जुनून उन पर तारी हुआ था तो उन्होंने हक का नारा लगाना शुरू कर दिया अनल हक यानी मैं खुदा हूँ जी मैं हक हूँ मैं खुदा हूँ तो जब यह किया तो उस वक्त जो बादशाह वक्त था उन्होंने उसने कहा नहीं ये तो गलत बात कर रहा है ऐसा तो कोई ही नहीं सकता तो उस, वो उसको सज़ाए मौत की सज़ा तो वहाँ से वो वाक़ मशहूर है मंसूर की तरह अनिलहब कहने की ज़रूरत होती है तो इसी तरह से जो है वो छोटी छोटी चीज़ें जो है इसमें बयान की गई है तो जीने का सलीका ये बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है और कहीं कही ना कहीं ये छात्रों को ये हमें एक सिटीज़न के तौर पर एक समाज के अंग के तौर पर हमें ये बताता है कि हमें किस तरह से जीना चाहिए और इसमें दो तीन बातें सर ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पॉइंट आउट की थी जिसको आपको भी ध्यान में रखना चाहिए पाठ को पढ़ते समय और वो है लोग किस तरह के लोगों के आसपास आप रहते हैं और किताबें कौन सी किताबें किस तरह की किताबें आप पढ़ते हैं जो विचार आप में पोषित होते हैं और साथ में काम जिसके बारे में बहुत ही तफसील से सर ने उसका विस्तार से चर्चा की और इस चैप्टर में काम को एक तरह से पूजा की तरह काम को एक तरह से इबादत की तरह इबादत की, की तरह, तरह इसमें एक और बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा बहुत कम वक्त में वो ये कि उन्होंने एक और मिसाल इस मज़मून में बहुत खूबसूरती के साथ पेश की है उसने उनका कहना है इंसान की जिंदगी एक टिमटिमाते चिराग की तरह है जी जो चंद लम्हों के लिए रोशन होता है और फिर मौत की एक हल्की सी फूंक उसे बुझा देती है क्या बात बहुत खूबसूरत जुमला है ये जिंदगी की पूरी हकीकत बयान कर यानी टिमटिमाता हुआ चरा मतलब अपने जीवन को एसेस करने, करने का एसेस करने का ये बहुत ही अच्छी लाइन है चंद लम्हों के लिए ही उसकी रोशनी होती है मतलब कुछ वक्त के लिए होती और फिर मौत का एक हल्की सी जो झोंका आता है वो खत्म भी कर दे तो जो वक्त हमें मिला है उसको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो खास अहमियत रखता है वही जीने का सलीका होता है चलिए बहुत अच्छी लाइन और इसी लाइन के साथ अब मैं चाहूँगा इस सत्र को यहीं समाप्त करने का की इजाज़त आप सभी छात्रों और दर्शकों से और आपको धन्यवाद सर आपने इतने तफसील से इस... वक्त बहुत कम था जी इतने बड़े चैप्टर को बहुत अच्छे से समेटने की कोशिश की आपने आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया लगातार जुड़े रहिए ई विद्या के साथ शिक्षा और तमाम जागरूकता के कार्यक्रमों के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार